बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का उसमें क्या क्या गया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वेयर मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस रो मैट्रिसेस कॉलम मैट्रिसेस आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें पूछा यह गया है कि आपने पहचान करनी है आपने बताना है ये जो दिए गए मैट्रिक्स हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स केयर मैट्रिक्स है कौन सा रेक्टेंगुलर है कौन सा रो मैट्रिक्स है कौन सा कॉलो मैट्रिक्स है कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है तो हम अपना पहला मैट्रिक्स देखते हैं जो लिखा हुआ है माइनस एट टू सेवन ट्वेल्व जीरो फोर तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कैसे पता चल रहा है इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज काउंट करें वन और ये टू तो इसमें टू रोज हैं और वन टू और ये थ्री तो इसमें थ्री कॉलम है तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं सेकेंड मैट्रिक्स देखते हैं तो इस मैट्रिक्स को बेटा कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं कैसे पता चल रहा है इसमें ये ये क्या है है हमारे पास जस्ट वन कॉलम तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं सिक्स माइनस फोर थ्री माइनस टू तो इसमें नंबर ऑफ काउंट करें जरा वन रो और ये सेकेंड रो इसमें कॉलम काउंट करें वन और ये टू इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम सेम है दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम हैं तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं जी नेक्स्ट देखें नंबर फोर वन जीरो जीरो वन तो ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कैसे पता चला ये देखिए बेटा इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं One, one. और जो नॉन डाइगनल है और जो बाकी है वो क्या है जीरो है तो ऐसा तो कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं नंबर फाइव मैट्रिक्स इसमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कैसे पता, पता चला जी इसमें नंबर रोज काउंट करें जी वन टू और ये थ्री तो इसमें थ्री रोज हैं। फिर कॉलम काउंट करें वन और ये टू तो इसमें कॉलम कितने हैं टू तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं नेक्स्ट देखें वन जीरो जीरो तो इसमें कितने कॉलम है जी जस्ट वन कॉलम तो ऐसा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं नेक्स्ट देखे सेकंड लास्ट वाला सातवां इसमें एलिमेंट्स देखें वन टू थ्री माइनस वन टू जीरो 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 वन तो इसमें नंबर ऑफ इस मैट्रिक्स का नाम है बेटा मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें वन और ये टू और ये थ्री तो इसमें थ्री रोज हैं अब कॉलम काउंट करें वन टू और ये थ्री तो इसमें कॉलम भी कितने हैं थ्री तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स कहते हैं नेक्स्ट लास्ट वाला मैट्रिक्स देखें इसमें जितने भी सारे के सारे एंट्रीज है वो सारे के सारे क्या हैं जीरो हैं सो है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एंट्रीज जितने भी हों वो अगर जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम नल और नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर थ्री में स्टूडेंट्स पूछा यह गया है कि आपने पहचानना है आपने आइडेंटिफाई करना है आपने बताना है कि दिए गए मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस हैं डायगोनल मैट्रिसेस हैं और स्केलर मैट्रिसेस हैं तो नंबर ए मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है फोर जीरो जीरो फोर तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं कैसे पता चला बेटा ये देखें इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हैं तो आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया गया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके स्केलर सॉरी जिसके सॉरीग्नल एलिमेंट्स सेम हो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं नेक्स्ट देखें ये हमारे पास बी मैट्रिक्स में लिखा हुआ टू जीरो जीरो माइनस वन तो इस मैट्रिक्स का नाम डायगनल मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसके एटलीस्ट कम अज कम डायगेनल एलिमेंट में से कोई एक जीरो ना हो तो यहां पर दो डायगनल एलिमेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों जीरो नहीं हैं बाकी दोनों क्या हैं जीरो हैं तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं डायगेल मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स देखें वन जीरो जीरो वन तो इस मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है कैसे पता चला जी इसमें देखे डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं जी वन वन है और नॉन डायगेल जो बाकी के एलिमेंट है वो क्या है जीरो तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट वन वन हो और जो बाकी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो हो तो एस उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं नंबर डी देखते हैं इस मैट्रिक्स का क्या नाम है थ्री जीरो 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 इस मैट्रिक्स का नाम स्टूडेंट डायगनल मैट्रिक्स है कैसे पता चला जी क्योंकि इसके डायगनल एलिमेंट्स देखे डायगनल एलिमेंट में से कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है और यही इसकी कंडीशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एटलीस्ट एक डायगनल एलिमेंट जीरो ना हो और बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं डायगनल मैट्रिक्स लास्ट वाला देखें ई मैट्रिक्स फाइव माइनस थ्री जीरो जीरो वन प्लस वन फाइव के साथ बेटा प्लस का साइन है थ्री के साथ माइनस का साइन है ऑपोजिट साइन हो तो वैल्यूज माइनस होती हैं पांच में से तीन माइनस किया टू साइन कौन सा लगता है जिसकी वैल्यू बड़ी है तो फाइव के साथ बेटा प्लस का साइन है साथ भी प्लस इस वन के साथ भी प्लस, तो दोनों है। जहां पर वैल्यूज प्लस करते हैं तो वन प्लस वन टू तो अब देखें इसके एलिमेंट क्या क्या बने टू जीरो जीरो और टू तो इसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है सेम है तो ऐसा मैट्रिक्स इसके डायगनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगनल क्या है जीरो तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स जजाकला दुआओं में याद रखिएगा मुझे और स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो अच्छी लग रही हो अगर आपको सही से समझ आ रही है तो काइंडली इन काइंडली हमें कमेंट्स में जरूर बताया करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी हवाले से मैथ में तो हमसे कमेंट में आप लाजमी पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना ना भूलें अल्लाह हाफ़िज